स्वागत है व्यूअर्स मेरे चैनल में। आज का विषय है व्यूअर्स, मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचरीय स्थिति को देखते हुए कैसा जाने वाला है। यहाँ पर हम व्यूअर्स चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं व्यूअर्स, मार्च 1 तारीख से 10 तारीख तक आपका चंद्रमा का गोचर आपके लिए कोई विशेष समाचार लेकर नहीं आने वाला है। यानी कि 10 मार्च तक अच्छे मांगलिक कार्यों के साथ साथ कुछ परेशानियां भी जीवन में आपको अचानक देखने को मिलेगी। 10 तारीख के बाद समय बहुत अनुकूल मांगलिक और लाभकारी स्थिति मेष राशि वालों का होने वाला है। दिक्कतें कम होगी, संतान की उपलब्धि होगी, धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी मिलने के पूर्ण आसार दिखाई देते हैं, विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। 11 मार्च से व्यूअर्स 20 मार्च 2019 तक द्वितीय चंद्रमा आय को बेहतर बनाएगा एवं अचानक कोई बड़ा काम आपका बनेगा जो आपके लिए खुशी का समाचार ला सकता है। योग्यता अनुसार आपको काम प्राप्त होगा एवं नए मकान खरीदने संबंधी योजनाएं बन सकती है। आपके विरोधी शांत रहेंगे, मोटे तौर पर यह समय बहुत अनुकूल और लाभपूर्ण रहेगा। 21 मार्च से 31 मार्च 2019 ये समय व्यूअर्स गुरु की दृष्टि की प्राप्ति होगी। ये समय बहुत मांगलिक और आरामदायक रहने वाला है। महिलाओं को सफलता प्राप्त होगी, आय के अच्छे सोर्स बने रहेंगे। 23 एवं 24 मार्च को कुछ कार्य निजी जीवन के चिंता उत्पन्न करेगी। इसके बाद से कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। विरोध करने वाले चुप रहेंगे एवं नौकरी के स्थल पर, कार्य के स्थल पर आपका वाचस्व बढ़ेगा। लोगों से नए संपर्क होंगे, लाभ मिलेगा, बहुत सुखद समय का भी अनुभव होने वाला है। जो लोग नौकरी करते हैं मार्च के महीने में मेष राशि वाले, अपना काम निपटाने पर ध्यान दें। एकाग्रता से आपको सफलता मिलने के योग हैं। निपटाया गया काम आपके लिए बहुत हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। लोग आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस, जो लोग बिजनेस में है, बिजनेस को लेकर चिंताएं रहेगी, धीरे धीरे सब ठीक होगा, विशेषकर 15 मार्च के बाद। दलाली का काम करने वालों का बहुत फायदा होने का योग आ गया है। नई बिजनेस डील होने से आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं।
फैमिली, परिवार में पूरा खुशी का माहौल बना रहेगा, परिवार से आपको पूरा मदद सहयोग मिलेगा। कोई बात कहते समय आपको सावधानी रखनी होगी, वरना आपके राज उजगार हो सकते हैं। अपनी वाणी से दूसरों को नाराज ना करें, सोच समझकर बोलें। ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं आप, दूसरों की कही बातों को अन्यथा लेने से बचें। काम में मन नहीं लगने से आपका मूड खराब हो सकता है। हेल्थ, आपको हेल्थ को लेकर पूरे महीने सावधान रहना है। फास्ट फूड खाने से बचें, पेट की रोग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। परिवार के किसी सदस्य की बीमारी से आपको टेंशन हो सकती है, आपकी आदतों में बदलाव होगा। संपत्ति, धन लाभ के बहुत अच्छा योग है, किस्मत का साथ मिलेगा, कई प्रकार के भौतिक सुख आपको मिल सकते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर दें, कई बड़े बड़े लोग आपको मदद करने भी आ सकते हैं। चल अचल संपत्ति की खरीदी या बिक्री से जुड़े बड़े मामले आपके सामने आ सकते हैं। ये समय संपत्ति प्राप्त करने के लिए बहुत अनुकूल है। मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन, जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। जिद करेंगे या किसी बात पर ज़्यादा जोर देंगे तो परेशानियाँ बढ़ सकती है। लाइफ पार्टनर की भावनाएं समझने की कोशिश करें, पार्टनर पर अपनी इच्छाएं थोपने से बचना होगा। मोटे तौर पर मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना बहुत परिवर्तन और मांगलिक रहने वाला है। 7 मार्च को राहु मिथुन में आएगा, ये समय भी आपके जीवन का बहुत परिवर्तन और कई मांगलिक कार्य और कई मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। मेरा आपको सुझाव है मेष राशि वालों, अगर आप मार्च के महीनों को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मसूर की दाल का दान करें, कुत्तों को मीठी पूड़ी खिलाएं, माता के मंदिर में अनार का दान करें, फिर देखिए आपका कितना लाभ और समय कितना अच्छा निकलता है। धन्यवाद व्यूअर्स, एक नई वार्ता के साथ फिर से आप सब से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।